जब 23 मार्च को अभिभावकों की बैठक हुई, बेटियों के पिता, वर पक्ष के पिता जब यहां हमसे मिलने आए, तो एक पिता ने हमें झंझोर दिया। वो हमारे पास आया, एक कार्ड लाया, इतना सा, उसमें बेटी के विवाह का आमंत्रण था। वो कार्ड हमने देखा तो वो कार्ड प्रेस वाले क्या करते हैं कि पहले से छाप करके रख लेते हैं हमेशा के लिए, नाम का कॉलम छोड़ देते हैं और डेट का कॉलम छोड़ देते हैं, एक पन्ने का कार्ड। वो आया तो हमने पूछा कि ये कार्ड कितने का पड़ा, तो उसका पिता कहता, गुरुजी 1 रुपए का एक। हमने कहा कि कितने कार्ड छपवाए, बोले गुरुजी 100 कार्ड बांट दिए हमने, गुरुजी हम सबको बुला लें। हमने कहा हाँ, हमें उस वक्त हृदय हमारा पसीज गया कि बताओ तो इस पर क्या बीत रही होगी इसके बेटी की विवाह की, क्योंकि इसके लिए 100 रुपए भी बड़े बोझ हैं। इसलिए फिर हमने संकल्प लिया, जो जो और कमी थी बेटी की घर की गृहस्थी में, तो टीवी LED से लेकर के, मिक्सी से लेकर के, वस्त्र से लेकर, क्योंकि बेटियां भैया पराई जरूर होती हैं, पर बेटियां बेटियां होती हैं। बेटियां दो घरों का नाम रोशन करती हैं, एक पिता के घर का और एक पति के घर का रोशन करती हैं। और कोई पिता संसार का ऐसा नहीं जो अपनी बेटियों को प्रसन्न ना देखना चाहता। अपनी बेटियों के लिए पिता दिन ना रात एक कर देता है, रातों भर सोता नहीं। हमसे ही कोई पूछे तो हमसे ये सब चर्चा कर रहे थे, केशव जी भी दिन में, महाराज जी आपको कैसा लग रहा? हमने कहा भैया हम भाग्यशाली हैं जो 100 बेटियों के कल पिता बन रहे। बेटी क्या होती है वो आज हमें महसूस हो रहा। और सच कहें गरीब का कोई नहीं होता, परंतु बेटियां इतना सिस्टम बनाती, घर पर व्यवस्था बनाती, चहचहाती रहती। कल वो सब आएंगी तो उनके पिता पर क्या गुजरेगी जिनके घर पर 19-20 साल तक खेली पढ़ी लिखी, कल वो बागेश्वर धाम से पराई हो जाएंगी। लेकिन बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियां तो बेटियां हैं। बेटियां भूखी रह लेती पर कभी कुछ नहीं कहती। बेटियां अगर किसी से ज्यादा प्रेम करती तो पिता से, बहुत प्रेम करती, दिनों चाहे रात पिता से बड़ा प्रेम करती। और भाग्यशाली होते हैं वो बाप जिनके बेटियां होती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो कल वो जब वो 23 तारीख को पिता आया था तो वो कार्ड और पीले चावल लिए हुए था। हमने वो कार्ड लिए, वो उसने झंझोर दिया हमें, पता नहीं क्यों झंझोर दिया। हमने पूछा करते क्या, बोले गुरुजी कुछ नहीं, आधा एकड़ खेती है। आधा एकड़ बोले तो ठीक से 1 क्विंटल अनाज भी नहीं होता होगा। हमने पूछा बेटियां कितनी है, बोला गुरुजी 3। तो हमने कहा उसको कि बेटी का विवाह हो रहा, बोला गुरुजी हम 6 माह तक तो बागेश्वर धाम की पेशी इसलिए करते रहे कि हमारी बेटी का विवाह करवाने के लिए गुरुजी हाँ कह दें, ताकि बेटी के लिए विवाह के लिए धन की दिक्कत ना पड़े। 6 माह तक और उस दिन हमारा विश्वास और दृढ़ हो गया। और आज हम व्यासपीठ से कहते हैं अगर भगवान ने हमें जीवित रखा, बालाजी की कृपा रही, तो अब इस बार तो 108 कर रहे हैं। कभी हमारा विचार है, अगले वर्ष तो नहीं, कभी हमारा विचार है कि हम 1100 बेटियों की विदाई बागेश्वर धाम से। और कभी भगवान ऐसा लाएंगे हमारे बच्चे, अगर ये सब हम नहीं कर रहे, हमारे बागेश्वर धाम के बच्चे कर रहे, सब बच्चे दिन ना रात लगे बागेश्वर, एक बार बागेश्वर धाम के बच्चों को साधुवाद हम व्यासपीठ से देते हैं। साहब साहब पूरा मंडल, छतरपुर मंडल, नौगांव मंडल, पन्ना मंडल, दमोह मंडल, हटा मंडल, सागर मंडल, चेन्नई मंडल, नागपुर मंडल, भोपाल मंडल, दिल्ली मंडल, मुंबई मंडल, छतरपुर मंडल, सब सब बच्चे, जीजन भदे, सब छोटे छोटे गांव के जितने बागेश्वर धाम के लोग हैं, वो 5 दिन से सोए नहीं बेचारे, सोए नहीं।
कोई पानी भर रहा, कोई सफाई कर रहा, कोई झाड़ू लगा रहा, कोई बर्तन सेट कर रहा, कोई भंडारा बनाने की व्यवस्था कर रहा, कोई हमारे पास तो उतनी संपत्ति नहीं, तो कुछ हमारे ये सब बच्चे एक एक रुपया जोड़ के, आज पारुल बिटिया भी आई तो वो भी लाई, गुरु जी हम चाहते ये आपको टेंशन ना हो, एक बिटिया का कुछ हम भी देंगे, ये बच्चे सब जोड़ जोड़ करके लाते हैं, ये सब व्यवस्था। सच कहें तो हम भाग्यशाली गुरु हैं, हमारे मन में एक बार ये जिज्ञासा है कि हम अपनी प्रत्येक बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दें। इस बार भी कोई कमी नहीं रखी हमने, कोई कमी नहीं रही, जितनी कल 108 बराते आ रही हैं, 108 बिटियां आ रही हैं, हमने कोई कमी नहीं रखी, पूरा उपहार मोटरसाइकिल और फ्रिज छोड़कर, क्योंकि उतना धन नहीं था, जितना था तो हमने पूरा यहाँ वहां से सब व्यवस्था करके जबरदस्ती लाला करके सामान रखा, टीवी एलईडी से लेकर के सब रखा, घड़ी से लेकर छिल्ली से लेकर के करछली से लेकर किचन सेट से लेकर सब रखा, चूल्हा गैस से लेकर के सब रखा। लेकिन हम यही कहेंगे, सबसे सच्चा और अच्छा मानव वह है जो किसी के काम आए। बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल इसीलिए धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों पर गर्व रहता है। हाँ, जो हम कह देते हैं वो बेचारे तन मन धन से लग जाते हैं। तो कल महोत्सव, इसलिए समय कम है, तो कल सबका न्योता है 22 मार्च से 30 मार्च तक जरूर पधारें। अगली बार जब कथा हमारी लाइव होगी तब एक दिन की कथा हम बेटियों पर करेंगे। कल क्या गुजरेगी उस पिता के ऊपर, हमसे कोई पूछे तो हम तो एक अभी अभी पिता बने, कल ही उन बेटियों को देखेंगे, सब बेटियों, हम तो मिले ही नहीं उन बेटियों से, हम मिले नहीं उनके परिवारजनों से भी नहीं मिले, एक दो लोगों से भर मिल पाए, बाकी हमारी व्यस्तता इतनी थी कि हम मिल नहीं पाए। लेकिन हमारे दिल पर यह गुजर रही है, हमारे हृदय पर यह गुजर रही, बार बार आंखों में आंसू भर रहे कि कल ही हमारी बेटियां आएंगी और कल ही वो चली जाएंगी। उस पिता पर क्या गुजरेगी, उस माँ पर क्या गुजरेगी जो अपनी बेटी को 20 साल तक पढ़ाते पालते बढ़ाते रहे होंगे। बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियां तो बेटियां हैं साहब। कल का महोत्सव बड़ा अद्भुत है, कल सब जरूर उसमें पधार में, बेटियां तो बेटियां हैं साहब। खुश नसीब होते हैं जिनकी बेटियां होती हैं। और एक बहन के बेटी के विवाह में पिता एक एक वस्तु रखता है कि कोई कमी ना रह जाए, लोग हंसी ना कर जाए। मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं, आप किसी की भी बेटी के घर में निमंत्रण में जाना तो सब कुछ करना, पर उसकी कभी बुराई मत करना, क्योंकि एक पिता अपनी बेटी का जब कन्यादान देता है रातों भर नहीं सोता कि बारात आएगी कोई कमी ना रह जाए, बारात घरात सबके लिए। और हम लोग यूं ही मुंह चला देते, सब कुछ तो पूछा पर पानी नहीं दिया। मेरी प्रार्थना है उस बेटी के पिता की कभी भी आप बेइज्जती मत करना, उसके जिगर से पूछना, वो अपने कलेजे का टुकड़ा बिना सोचे बिना बेचारे सौंप देता पराए हाथ, सौंप देता। बेटियां आखिर बेटियां होती, पिता कैसा भी हो जाए, पिता कैसा भी विचित्र हो, मार दे, पर बेटियां, पापा पानी पियोगे, बेटियों का बड़ा लाड़ पिता के प्रति होता है, बहुत बहुत लाड़ होता है। पापा खाना खाया, पुत्र सो जाएगा, पुत्र नहीं उठेगा, रात को भूख लगी हो तो बेटा पानी देने नहीं आएगा, बेटी को अगर बुखार भी चढ़ा हुआ हो ना तब भी वो उठ करके अपने पिता के लिए भोजन बनाती। बेटियां बेटियां होती हैं साहब, बेटियों जैसा हृदय किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। वो जाना भी नहीं चाहती अपने पिता को छोड़कर, अपने पिता को घर को छोड़ करके, पर करें भी क्या। क्या
क्या बोलें साहब, क्या बोलें। रातों भर जागती, रातों भर चिंता करती पूरे घर की। हम तो दरबार में बैठते हैं, बहुत सी ऐसी बेटियां हमारे पास आती हैं, कई हमारी बच्चियां हमारे पास, गुरुजी आपकी दया से सब कुछ है, बस हमारे पिताजी ठीक नहीं है, विवाह हो गया होता। विवाह के बाद भी उनके मन में चिंता अपने मात पिता की रहती है। बेटियां साहब बेटियां होती हैं और उन पर तो बड़ी बुरी गुजरती है जिनके कुछ नहीं होता। उन पिता से पूछो कि वो अपने बेटी को क्या नहीं देना चाहता। सच कह रहा हूं, हो सकता किसी को ये बात कैसी लगे, खबर नहीं मुझे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, पर आज मैं सच कह रहा हूं व्यासपीठ से, मुझे लग रहा काश मैं आज धनवान होता ना तो सब कुछ लुटा देता इन 108 बेटियों। सब कुछ लुटा देता, काश मैं अगर धनवान होता ना, वो एक रुपए का कार्ड देख करके हमारे जी को झंझोर दिया उसने, उस पिता ने एक रुपए का कार्ड देख करके झंझोर दिया। और काश में अगर आज धनवान होता, मैं साफ अपने आप को बर्बाद कर देता। पर चाहता कि मेरी, और मेरी तो कल्पना है, कभी अगर मुझे हनुमान जी ने कृपा की तो मेरी बेटियों की विदाई हेलीकॉप्टर से करवाऊंगा, कभी शायद राम इसके लिए मुझे जिंदा रखेंगे, शायद मेरे गुरुजी मुझे इसके लिए जीवित रखेंगे। हम चाहेंगे ये हर वर्ष अब ये खत्म नहीं होने, ये बंद नहीं होने वाला आयोजन, ये हर शिवरात्रि को हम करेंगे ताकि किसी पिता को उपहार और दहेज के कारण रोना ना पड़े, सोचना ना पड़े। और एक पिता जब अपनी बेटी का विवाह करता है तो अपने आप को लुटा देता है, ये अनुभव हम आज कर रहे हैं। अब बोल भी नहीं हम पा रहे, हम क्या अनुभव कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हम बोल भी नहीं पा रहे कि हम क्या अनुभव कह रहे हैं। पर बेटियां तो बेटियां होती हैं, बेटियां पराया धन होती हैं साहब, बेटियां तो बेटियां होती हैं, और खुश नसीब होते हैं जिनकी बेटियां होती हैं, खुश नसीब होते वो जिनकी बेटियां होती हैं। तो कल 108 बेटियों का आयोजन है, देखते हैं राम जी की इच्छा, कल सुबह से शाम तक, सुबह सब बेटियां आ जाएंगी सद्धज करके, पूरी दिन आयोजन चलेगा। अब हम बोल नहीं पा रहे हैं, आज हमारी, अब हम बता नहीं रहे कि आज हमारी बोलने की इच्छा भी नहीं थी, वो तो रावण पर चर्चा करनी थी तो हम आ गए थे, इसलिए तो 5 बजे हमने इनको कहा भी था हो सके तो आज लाइव में ना बुलाओ, हमें कुछ और लगा दो, क्योंकि हम कल से बोल नहीं पा रहे, जब से वो पिता ने वो दिया ना कार, क्या बताएं क्या बताएं। उसकी बेटी भी आई थी, जिस बिटिया का कन्यादान हो रहा वो साथ आई थी, वो दरवाजे में एक कोने पर खड़ी थी, पिता हमें कार्ड दे रहा था, वो पीले चावल, वो बेटी बेचारी सब फटा हुआ सूट पहने हुए थी दरवाजे पर, बार बार मुंह छिपा छिपा के रो रही थी कि हमारे पिता के पास कुछ नहीं। शायद हमें लगता है भगवान ने बेटियां बनाई इसलिए सबको खबर हो सके कि बेटियां क्या होती। लेकिन आज का जमाना बाहरे जमाना, कई पिता जिन बेटियों का विवाह करने के लिए रातों भर अपने आप का खून पसीना खो करके उनकी तैयारी करते हैं, पर ये कुछ 2 कौड़ी के लोग अपने पुत्रों का सौदा करते हैं। हम उपहार दे रहे हैं, दहेज नहीं देते। बागेश्वर धाम से हम उपहार दे रहे हैं पर दहेज नहीं देते, ये ध्यान रखना। और हम तो चाहते हैं कि दहेज मुक्त हो भारत, ताकि किसी पिता को रोना ना पड़े। और हम तो चाहेंगे भारत दहेज मुक्त हो, ताकि किसी पिता को किसी सम्मेलन में या बागेश्वर धाम सम्मेलन में विवाह करने की जरूरत ना पड़े।
लेकिन प्रार्थना करूंगा जिनने बेटियों का प्रेम अनुभव ना किया हो तो कभी जीवन में मौका मिले तो एक बेटी का बाप बनकर के देख लेना, धर्म का बाप बनकर देख लेना। पर हमें बताना तुम रोए कि नहीं रोए, पर हमें बताना तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, पर हमें बताना कि तुम्हारी कैसी स्थिति है। आप बोल नहीं पाओगे, कभी एक बेटी का बाप जरूर बनना। भगवान करे हर घर में बेटी हो, बेटी चहकती है, बेटी खेलती है, बेटी किलकारी करती है, बेटी लक्ष्मी भी है, बेटी भाग्यशाली भी होती है। जिस घर में बेटियां होती हैं वहाँ चहचहाहट होती है, उनका आनंद हरा भरा रहता, घर में एकदम माहौल बदला हुआ रहता है। जिस घर से बेटियां विदा लेकर चली जाती हैं उस घर की ओर देख लेना, उस घर की चहचहाहट शून्य हो जाती है। आज बेटियों का कल विदाई होनी है तो आज पूरे 5 किलोमीटर में बागेश्वर धाम के गड़ा टावर से पूरा सजा है, एकदम देखो तुम एकदम चमक धमक सजा है। वो ड्रोन वाला दिखाओ ना, ड्रोन वाला दिखाओ ना, एकदम पूरा सजा हुआ, पंडाल लगे, जगह जगह लाइटें लगी, बैनर लगे, टैंकर पानी, पूरा भारत के शिष्य आ गए, 100-150 बसें ले लेकर के भक्त आ गए पूरे भारत के, क्योंकि कल बेटियों का कन्यादान है, कल महोत्सव है। लेकिन कल जब विदा हो जाएंगी बेटियां तो हमें पता है, क्योंकि पिछली साल भी हमने विवाह करवाए थे बेटियों के, हमें पता है कल के बाद फिर कैसा रहेगा, एकदम सोना हो जाएगा। एक दो दिन एकदम ऐसा लगेगा जैसे बहुत कुछ हमने खो दिया, एक दो दिन ऐसा लगेगा लगता कि कोई हमारी संपत्ति लूट गया, एक दो दिन ऐसा लगेगा मानो यहाँ पर बहुत कुछ हो गया। तो क्या कहें, आज तो पूरे में अद्भुत तैयारी चल रही है, कल के आयोजन की, 22 मार्च के आयोजन की भी चल रही है। पूरा बदला है आश्रम, बागेश्वर धाम बदल गया, पूरा स्थान बदल गया, खुशबू अलग हो गई, चहचहाहट हो गई। कल ही आनी है बेटियों को लेकर, आज से चहचहाहट हो गई। मंडप में सब सजने लगा, सुहाग का सब सामान रख गया, पूरा डोम ओम पंडाल, जगह जगह मंडप बन गए। ये देखो आश्रम की व्यवस्था अद्भुत लग गई, अद्भुत रौनक आ गई पूरे क्षेत्र में बागेश्वर धाम पर, क्योंकि यहाँ 108 बेटियों के बाप हम बनने जा रहे हैं। अद्भुत हो गया आस्थान।